देखिए लॉर्ड साहब की तरह बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे रमेश सर एंड आशु मचा। तो उतरने का ज़्यादा बनाएंगे भी थोड़ी देर में, उससे हिसाब से उतरेंगे क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं। आप यहाँ पर बैठना है तो बंद है ना, 4 बजे खुलेगा ना। हेलो सर, कैसे हो आप? अपने बारे में कुछ बताओ ना सर। वो भी कैमरे में। कैमरे में इतना ज़्यादा थोड़ी ना भाई। इसमें क्या भाई, अपने बारे में सारी बुराई बातें, क्या अच्छी बातें भी होती हैं। ये लोग कड़ा वड़ा देख रहे हैं सर। कोई और यहाँ पे शॉपिंग हो रही है, ये देखिए, ये तो इसको निकल जाएगा कड़े। जब तो मंदिर नहीं खुला तो हम लोग टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं ना। बहुत अच्छे से टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं आप लोग शॉपिंग करके। एक लड़की सबसे अच्छा ये टाइम यूटिलाइज शॉपिंग में ही कर सकती है, और वो भी किसी और के लिए। वो भी किसी और के लिए। किसके लिए ले रहे हो आप? का बेटा जो है, तो सर किसी और के लिए ले रहे हैं यहाँ पे सामान। जो अगर आपको किसी और के लिए लेना तो ही लेना, अदरवाइज आप खुद के लिए मत लेना। आशु मच्छा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। अच्छा अब मैं इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता हूँ तुम लोगों को। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरव्यू इन क्रेटा। पहला इंटरव्यू होगा मिस ज्योति का, जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लो रही है। हाय ज्योति, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो आप आजकल? नौकरी के साथ भी मिल रही। ये तो आपकी जिंदगी बहुत दर्द है क्या? बहुत। और कौन कौन से दुख है आपकी जिंदगी में? सारे दुख तुझे बता दे, सब नहीं बता सकते ना। बहुत। और ये चल रहा है सबसे मेन काम ऑफ द ट्रिप, फोटोशूट। रोड पे बैठना। हाँ, रोड पे बैठना और फोटो शूट करना। एक यहाँ चल रहा है, ये है लोग लाइन में है अभी, एक एक करके जाएंगे। और एक यहाँ हो रहा है, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, और यहाँ पे ये शूटिंग। और अब निकल रहे हैं हम पर इस्कॉन मंदिर, और फिर उसके बाद और एक ना जा रहे हैं अभी हम इस्कॉन जा रहे थे। हाँ, इस्कॉन और उसके बाद एक और था ना, ना जा रहे हैं अभी हम। और क्या था गोवर्धन का? तो शाम को है ना, गोवर्धन की परिक्रमा करना। वैष्णो देवी मंदिर। अभी हम जिस टाइम में आए हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंजेशन नहीं है वैसे बाहर, बट हाँ जब हम अंदर जाते हैं मंदिर वगैरह के पास वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और गर्मी भी है अभी। गुड इवनिंग, हम लोग अभी फिलहाल 5 बज रहे हैं और हम लोग हैं प्रेम मंदिर की पार्किंग ना। यहाँ पे ये लोग उतार रहे हैं शूज अपने। देखिए आप कहाँ आए हैं अभी? लंदन। अच्छा, लंदन में कहाँ पे? स्कॉन टेंपल। ओके, हमें तो लगा ये प्रेम मंदिर है और लिखा भी प्रेम मंदिर है वहाँ। हम लोग प्रेम मंदिर की पार्किंग में हैं, तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे, लाइट शो देखेंगे मस्त सा। तो देखते हैं कैसा है, क्योंकि सुना है कि प्रेम मंदिर इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल एंड वेरी पॉपुलर इन वृंदावन, और इसको बने हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या है, कैसे है सब कुछ, कितनी भीड़ है, क्या है। विल अपडेट यू सून, बाय बाय। ये पीछे से चीखे जा रहे हैं, बोलने भी नहीं दे रहे मुझे। बताओ, तो हमारी नेक्स्ट ट्रिप जो है, हम लोग यहाँ से अमेरिका जाने वाले हैं बाय रोड। हम आ गए हैं यहाँ पे प्रेम मंदिर में। देखिए आप भीड़ देख सकते हैं बहुत सारी। ये रहा प्रेम मंदिर, आप देख रहे हो कितना सुंदर है ये प्रेम मंदिर। मेरी तरह बिल्कुल। ये है प्रेम मंदिर, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। भीड़ देखिए यहाँ पे। और अभी हम जब यहाँ पे मतलब एंटर कर रहे थे तो हमसे एक्शन कैम का स्टैंड जो है वो रखवा लिया, ठीक है।
कैमरा जो है वो अलाउड है, उसका जो स्टैंड है बस वो है नहीं अलाउड, तो वो हमने वापस अभी को कहा है कि मतलब रख के आए कार में, तो आप अगर यहाँ आए तो एक्शन कैमरा या फिर कैमरा आ सकते हैं, लेके स्टैंड नहीं, क्यों ये नहीं पता। बांसुरी बजाते थे तो सारे जो वो होते पशु पक्षी वो सारे छुपे हो जाते थे। गए बहुत ज़्यादा, तो वी आर नाउ टेकिंग रेस्ट। कैसा लग रहा है आपको? वेरी टायरिंग बट अच्छा है, पीसफुल है। पीस तो कहाँ है? पीस है। शोर है इतनी? दर्शन करने के बाद मन में पीस है। का ग्रेटिट्यूड फॉरेन इतने ओ ये देखिए, दिखा दिखा तो, दिखा तो, ये देखिए आजकल के ठरकी नौजवान हमारे। May I have the gratitude for an acquaintance to intellect you? ये अपनी लाइफ की सारी इंग्लिश यही डाल दिया। तो क्या विचार है आपका? गूगल करा होगा इन्होंने। तो क्या विचार है आपका? आपको लग नहीं रहा इन्होंने गूगल किया होगा ये? आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? Of course not. तो आप इनके इतने भारी भरकम इंग्लिश का कुछ तो देंगे आंसर? हम कुछ नहीं बात
देखो स्टेटस अपडेट, अब अपन घर जा रहे हैं, मतलब की बारी है, अब अपन घर जा रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, हमने बहुत मतलब हमने बहुत इन्जॉय किया। हम 2 मिनट का मौन करते हैं। हमारा वृंदावन का ट्रिप बंद हो रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, खत्म हो रहा है। हमारा वृंदावन का ट्रिप खत्म हो रहा है, तो हम मतलब बहुत खुश हैं और बहुत थोड़ा सा दुखी भी है। अभी अपन जा रहे हैं थोड़ा हाईवे, मतलब हाईवे पे हैं तो सब ढाबे वगैरह से आए हैं, तो सबको सुसु वगैरह जाना है, तो अभी चलते हैं। फाइनली गाइस, सबको ड्रॉप करके अपन घर पहुँचे हैं। कितने बजे? 1:35 पे। बहुत लेट हो गया, तो वो वाला टीम मेंबर अपना घर का एड्रेस बोल दिया, उसे ये नहीं पता कि बस नाम मत बोलना। अभी इसमें एक रेस्टोरेंट पड़ा था, उसका नाम हम लिंक में दे देंगे, वहाँ तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो फाइनली गाइस, हमारी ट्रिप एंड होती है यहाँ पे। ओके बाय, आप वेट करें हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए, वो है केदारनाथ। केदारनाथ जो हम जाएंगे 1 अक्टूबर को, सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं।